नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पवन हिस्ट्री क्लासेज में। साथियों, आज हम जानेंगे चोल वंश के बारे में। एक बार चोल वंश का जो इतिहास है वो हमें संगम साहित्य से मिलता है, लेकिन दूसरी बार जो चोल वंश का इतिहास हमें मिलता है वो दक्षिण भारत के क्षेत्रीय राज्यों का जब उदय हुआ था, यानी गुप्तों के बाद, और पूर्व मध्यकाल के दौरान जो दक्षिण भारत में राज्य या राजवंश हुए थे उन्हीं के बीच में चोल वंश का भी दोबारा से उत्थान हुआ था। तो आज हम चोल वंश के बारे में जानेंगे। ये जो समय है ये पूर्व मध्यकालीन समय है जब दक्षिण भारत में चोल वंश का उत्थान हुआ था। तो मेरे प्यारे साथियों, देरी न करते हुए शुरू करते हैं चोल वंश। आज हम इनसे संबंधित ये जानेंगे भाई चोलों का इतिहास हमें किन किन साक्ष्यों के आधार पर मिलता है और उन साक्ष्यों के आधार पर किस प्रकार से पेपरों में क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं चोल वंश। चोल वंश ये कौन से चोल वंश है, अब इसके बारे में भी आप थोड़ा सा जान लीजिए। एक तो चोल वंश तीसरी सदी में था जब संगम साहित्य से हमें इनके बारे में जानकारी मिलती थी। तो संगम साहित्य के दौरान कौन कौन से राजवंश थे जो आपस में प्रतिस्पर्धा में थे। प्रतिस्पर्धा मतलब यानी अपने राज्य विस्तार और अपने शक्ति के विस्तार के लिए थे। तो संगम साहित्य में जो हमें मिलता है वो चेर, चोल और पांड्य राजाओं के बारे में जानकारियां मिलती हैं। अब पूर्व मध्यकाल यानी मध्यकाल के बाद, या फिर आप इनको ये भी कह सकते हैं कि गुप्तों के बाद और पूर्व मध्यकाल यानी मध्यकाल से शुरू के काल में दोबारा से चोलों का राजवंश अपने अस्तित्व में आता है। तो आज हम उसी अस्तित्व के चोल वंश के बारे में हम जानकारी लेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, चोल वंश, चोलों के अगर हम इतिहास की बात करें मेरे प्यारे साथियों, तो इनका जो दोबारा से हमें जो जानकारी मिलती है वो ये कि 9वीं सदी के प्रारंभ में, यानी कि मध्यकाल से पूर्व 9वीं सदी के प्रारंभ में हमें चोल वंश के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। और इसकी जो हमें जानकारी मिलती है किसकी, चोल वंश की, वो हमें संगम काल से भी मिलती है, जो मैंने अभी आपको बताया। संगम काल से हमें दो जो चोल राजा थे, प्रमुख चोल राजा कौन कौन से थे संगम काल में, करिकाल और कोचियन गान ये प्रमुख शासक थे उस समय संगम काल के। तो ये जो है यहां से और यहां तक ये वो है। अब चोल राष्ट्र की हम बात करते हैं, चोल राष्ट्र कहां पर बसा हुआ था, तो इसके बारे में जानते हैं। जो चोल देश था वो पेनार और कावेरी नदी के पूर्वी समुद्र तट पर बसा था, यानी स्थित था। हमें ये जानकारी मिलती है। अभी जो हम केवल जान रहे हैं मेरे प्यारे साथियों, वो ये जान रहे हैं कि हमें चोलों के इतिहास के बारे में कौन कौन से ऐसे साक्ष्य हैं जिनसे इनके बारे में जानकारियां मिलती हैं, और उन्हीं साक्ष्यों के आधार पर किस प्रकार से पेपरों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम उनकी चर्चा करेंगे। केवल पहले ये जानते हैं कि हमें चोलों के बारे में साहित्य से, सिक्कों से, स्मारक अभिलेखों से और विदेशी यात्रियों के विवरण से चोलों के बारे में जानकारियां मिलती हैं, हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो समुद्र तट पे था। संगम काल के बाद की अगर हम बात करें, संगम काल के बाद जो चोल वंश है वो 8वीं सदी में इसका क्या होता है, उत्थान होता है, यानी कि ये अस्तित्व में आने की कोशिश करता है चोल राजवंश। क्योंकि संगम साहित्य के बाद में या संगम काल के बाद में इनकी शक्ति का क्षीण हो चुका था, और 9वीं सदी के मध्य में इनका इतिहास अंधकारमय था। उसके बाद में फिर 9 से 13वीं शताब्दी तक दक्षिण भारत में चोलों का आधिपत्य होता है। तो हम उनके बारे में जानेंगे। पहले जानते हैं उनके इतिहास के बारे में कि भाई हमें कहां कहां से प्रमाणित होता है, और फिर उनके
शासकों के बारे में जानेंगे, शासकों के द्वारा कौन कौन से इसमें प्रमुख कार्य किए गए जिनसे कि इतिहास में यानी कि पेपरों में क्वेश्चन बनते हैं, उनके बारे में भी विस्तार से चर्चाएं करेंगे। तो 8वीं सदी में चोलों का उत्थान होता है दोबारा से। उस समय और भी शक्तियां थी जो कि चोलों के साथ में उदय हो रही थी, अपने संघर्ष और अस्तित्व के लिए लड़ रही थी, यानी अपने विस्तार के लिए, अपने साम्राज्य की स्थिति को दृढ़ करने के लिए। तो वो क्या थे? दक्षिण भारत में जो प्रमुख शक्तियां थी चोलों के समय में, राष्ट्रकूट, संगम साहित्य में राष्ट्रकूट उस समय नहीं थे, ठीक है ना। तो क्या है अब जो क्या शक्तियां थी उस समय जब चोलों का दोबारा से उत्थान हो रहा था? तो राष्ट्रकूट था, चालुक्य थे, पल्लव थे और पांड्य। इन चारों में संघर्ष हो रहा था अपने दबदबे के लिए। इसी का लाभ उठाकर, क्योंकि ये चारों संघर्ष में थे, इन्हीं का लाभ उठाकर, इसी चीजों का लाभ उठाकर चोल अपने अस्तित्व में आते हैं। क्या? इसी का लाभ उठा लिया। और 9वीं सदी से, वो मैंने आपको अभी भी बताया, 9वीं सदी से 13वीं सदी तक दक्षिण भारत की राजनीति पर इनका आधिपत्य रहा, क्योंकि ये चारों तो संघर्ष में रहे और इसी का इन्होंने लाभ उठाया और अपनी शक्ति को ताकतवर, अपने आप को ताकतवर बनाया और आगे निकल गए। इनकी सत्ता जो लेकिन इनकी सत्ता जो बाद में समाप्त करते हैं वो पांड्य राज्य इनकी सत्ता को समाप्त करता है। इसके बारे में हम आने वाली वीडियो में जानेंगे किस प्रकार से। अब हम स्रोतों की बात करते हैं कि किस प्रकार से हमें इनके स्रोतों के बारे में जानकारी मिलती है कि चोल राजवंश के समय में कौन कौन से ऐसे साहित्य हैं जिनसे हमें इनके विवरणों के बारे में जानकारी मिलती है। तो स्रोतों की अगर बात करें तो हमें इनकी जानकारी साहित्य से, अभिलेखों से, सिक्कों से और विदेशी यात्री थे उनके विवरणों से हमें इनकी उपलब्धता मिलती है। अब इनके समय में कौन कौन से ऐसे विद्वान थे और ऐसे कौन कौन से साहित्य थे जिनसे हमें जानकारी मिलती है, अब उनके बारे में जानते हैं। क्योंकि भाई समझने की कोशिश करो, क्योंकि क्वेश्चन इसी तरीके से इनके ऊपर बनते भी हैं और आते भी हैं। ये जय गोंदार के द्वारा लिखी गई क्या है? कलिंगतु पर्णी से हमें क्या मिलता है? जय गोंदार जी के द्वारा लिखी गई कलिंगतु पर्णी, इससे क्या मिलता हमें? किलोतुंग प्रथम के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो ये जो जय गोंदार है इनके द्वारा कलिंगतु पर्णी इन्होंने लिखा था और इनसे हमें क्या मिलता है? मैंने आपको अभी भी बताया किलोतुंग प्रथम के वंश, क्या वंश और कलिंग आक्रमण की जानकारी हमें मिलती है। ये हम स्रोतों की बात कर रहे हैं साहित्य के। तो ये साहित्य के अंतर्गत हैं, जितने भी ग्रंथ या उनके द्वारा लिखी गई रचनाएं हैं वो साहित्य के अंतर्गत आती हैं। तो इसलिए इनके साहित्य क्या थे? ये जय गोंदार जी थे, उनके द्वारा हमें क्या मिलता है? कुलोतुंग प्रथम के वंश की और कलिंग आक्रमण की जानकारी मिलती है। ये कोटक है, ये ओट टकुट टंब, याद रखना मेरे प्यारे साथियों, ये थोड़ा सा कठिन शब्द है, आपको भी ये जरूर याद करना पड़ेगा। इसका नाम है ओट टक कुट टंब। क्या है? ओट टक कुट टंब। इस साहित्य से हमें क्या क्या जानकारी मिलती है इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो इनसे हमें मिलती है विक्रम चोल के बारे में और कुलोतुंग प्रथम के बारे में और राजा राजराज द्वितीय के सिंगार प्रधान
जीवन चरित्र के विषय में विवरण मिलते हैं। यानी इस साहित्य से हमें इन चोल राजाओं के जीवन चरित्र के विषय में विवरण मिलते हैं। ये है सेकी कलार द्वारा, जो कि सेकी कलार हैं उनके द्वारा लिखी गई पेरिय पुराणम। क्या थी? पेरिय पुराणम इन्होंने लिखी थी। यानी इस साहित्य से हमें यो ये कब लिखी गई थी? ये कुलोत्तुंग जी के समय में लिखी गई थी। इस साहित्य से हमें चोल वंश से संबंधित धार्मिक जीवन पर प्रकाश पड़ता है। किसका? चोलों के धार्मिक जीवन पर इससे प्रकाश पड़ता है। बुद्ध मित्र जी हैं एक, कौन थे? बुद्ध मित्र जी के द्वारा एक व्याकरण ग्रंथ लिखा गया था जिसका नाम वीर शैलियम था। इससे हमें क्या जानकारी मिलती है? वीर राजेंद्र, जो कि राजेंद्र चोल राजा हैं, उनके समय के बारे में जानकारी मिलती है। और बुद्ध ग्रंथ महावंश, एक बुद्ध ग्रंथ है महावंश, उनसे हमें चोल शासक पुरांतक के पांड्य विजय और राजेंद्र प्रथम की लंका विजय का विवरण मिलता है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये चोलों के इतिहास से संबंधित साहित्यिक जानकारी थी कि साहित्य के द्वारा हमें कौन कौन से ऐसे साहित्य हैं जिनसे चोल शासकों के और उनके जीवन से संबंधित घटनाओं के बारे में जानकारी मिलती है। ये जो हमने जानकारी ली, ये साहित्य से संबंधित जानकारी है चोल वंश से। अब हम बातें करते हैं, क्यों? क्योंकि इनके जो हमें स्रोत मिलते हैं, इनकी जानकारी मिलती है, वो साहित्य, अभिलेख, सिक्के और विदेशी विवरण। और हम इन्हीं के आधार पर जानेंगे कि इनके साहित्य में कौन कौन से ऐसे वाक्य हैं, कौन कौन सी ऐसी प्रमुख घटनाएं हैं जो कि पेपरों में, जिन पर क्वेश्चन बनते हैं, उन्हीं के बारे में। अब जानते हैं इनके अभिलेखों के बारे में। अगर हम अभिलेखों की बात करें तो विजयाल्य जो कि चोल वंश के राजा थे, इनके बाद से चोल इतिहास को अभिलेखों के माध्यम से जाना जाने लगा। यानी जो विजयाल्य है, इनके बाद से अभिलेखों में चोल इतिहास को लिखा जाने लगा और इनके बारे में हमें अभिलेखों से जानकारियां मिलना शुरू होती हैं। अभिलेखों की अगर हम बात करें तो राजराज प्रथम जी हैं, जो कि चोल राजा हैं, इनके अभिलेखों से हमें पूर्वजों का इतिहास क्या मिलता है? राजराज प्रथम के अभिलेखों से हमें इनके पूर्वजों का इतिहास और काल की घटनाएं, उस समय कौन कौन सी ऐसी घटनाएं घटित हुई थी उनके बारे में, और विजय जो कि इन राजाओं ने विजय करी, जो कि इन राजाओं ने जीत हासिल करी, उनको लेखों में जोड़ने की प्रथा शुरू होती है। ये राजराज जी के अभिलेखों में स्पष्ट तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है, इनके समय में और क्या चीज है? इनके समय में लंदन दानपत्र और क्या है? लंदन दानपत्र और तंजौर मंदिर जिसका निर्माण चोलों ने किया था, उत्कीर्ण लेख, उस मंदिर की दीवारों पर, स्तंभों पर जो उत्कीर्ण लेख है, उनके बारे में हमें जानकारियां मिलती हैं। राजेंद्र प्रथम जो कि चोल राजा थे, इनके समय में क्या होता है? राजेंद्र प्रथम जी के समय के क्या है? त्रिवाल गाडू और करदे दानपत्र। इससे पहले जो जानकारी थी वो मैंने आपको दी। राजराज प्रथम जी के अभिलेखों में हमें कौन कौन सी ऐसी घटनाएं मिलती हैं, ऐसे कौन कौन से अभिलेख मिलते हैं, और उन अभिलेखों से हमें कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं मिलती हैं, जानकारियां मिलती हैं जो कि पेपरों में पूछी जा सकती हैं, हमने उनके बारे में
अभी चर्चा करी, क्योंकि अभिलेखों में एक तो हमें उनके पूर्वजों को इतिहास की जानकारी मिलती है कि भाई उनके पूर्वजों के इतिहास में कौन कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं थी। दूसरा, उस समय का जो समय था, काल, काल माने समय, उस समय कौन कौन सी घटनाएं घटी थी वो भी इन अभिलेखों में लिखी हुई है, ये जानकारी मिलती है। दूसरा, जब इन्होंने विजय हासिल करी यानी जीत हासिल करी तो इन्हीं लेखों में फिर उन जोड़ने की प्रथा शुरू हो जाती है। क्या? जोड़ने की प्रथा भी राजराज जी के समय के अभिलेखों से ही शुरू होती है। ये हम इनकी महत्वपूर्ण जानकारी है। और इनके समय में क्या थे, ये लैंडन दाम्पत्र और तंजौर मंदिर है ना, इनके ऊपर लेख उत्कीर्ण हुए थे, ये इनके समय में ही हुए थे, इसलिए इनसे हमें ये जानकारियां मिलती हैं और ये जानकारियां बहुत ही महत्वपूर्ण भी हैं। इसके बाद में जो शासन, जो शासक थे चोल राजा राजेंद्र प्रथम, उनके समय में उन्होंने कौन कौन से अभिलेख के, उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो राजेंद्र प्रथम जी के समय में हमें ये त्रुवालगाडू और करदे दानपत्र, ये दो दानपत्र उन्हीं के शासन के समय के हैं। इनमें हमें जो मिलती हैं उनकी उपलब्धियों का विवरण। अब उपलब्धियां जो कि उन्होंने हासिल की थी, इन्होंने क्या क्या चीजें निर्माण करी, क्या क्या उपाधियां भी धारण करी, किन किन से ये विजय हासिल करी, ये जो जानकारी हमें मिलती है ये उनके इन दो अभिलेखों के माध्यम से हमें जानकारी मिलती है। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम चोल राजा में अगर सर्वाधिक ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में अगर हम जानकारी लें, क्या सर्वाधिक ऐतिहासिक लेखों की अगर हम बात कर लें इसी दौरान, तो राजराज तृतीय, एक तो राजराज प्रथम के अभिलेख बहुत महत्वपूर्ण है, उसके बाद में अगर सर्वाधिक बात करें ऐतिहासिक लेखों में तो राजराज तृतीय जी हैं। कौन है? राजराज तृतीय। इनके समय का त्रिवेंदीपुरम, इसके जो अभिलेख हैं किसके, ये हैं राजराज चोल राजा राजराज तृतीय, ये आपको मेरे प्यारे साथियों याद करने पड़ेंगे। इनके अभिलेखों से हमें क्या मिलता है, इनके उत्कर्ष का समय, इनके उत्कर्ष पर हमें जानकारी मिलती है कि भाई चोलों का उत्कर्ष यानी चोलों का उदय किस प्रकार हुआ, वो आगे किस प्रकार बढ़े, उन्होंने शासन किस प्रकार से किया। तो एक तो इनके उत्कर्ष के बारे में जानकारी, और हमें यहां से क्या जानकारी मिलती है, होयसल राजाओं के प्रति इनके कृतज्ञ भी स्थापित की गई है, क्यों की गई है, इनकी सहायता से इन्होंने इस वन का पुनः उद्धार किया था, तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्या? इस वंश का, चोल वंश का पुनरुद्धार हुआ था, किसकी सहायता से, ये होसल राजाओं के सहायता से, और इसलिए ये इनके प्रति कृतज्ञ भी हैं। ठीक, इनके बाद में अगर हम जानकारी दें तो राजा अधिराज जो कि चोल राजा है, इनके समय का क्या है, मणिमंगलम, इनके समय में कौन सा अभिलेख मिलता है, मणिमंगलम। ठीक है, उस अभिलेख से हमें क्या मिलता है कि लंका विजय यानी चोलों की लंका पर विजय की जानकारी हमें मिलती है। तो मेरे प्यारे साथियों कहां मिलती है, किसके द्वारा मिलती है, तो राजा अधिराज के समय में इन्होंने क्या करा था, ये मणिमंगलम अभिलेख है इनका, और उस अभिलेख में हमें मिलती है कि इन्होंने लंका पर विजय प्राप्त की थी, उसकी जानकारी मिलती है, और चालुक्यों के साथ इनकी हमेशा संघर्ष यानी लड़ाई थी, चालुक्य और चोलों की संघर्ष के बारे में भी हमें जानकारी इसी अभिलेख से मिलती है। और क्या मिलता है इसमें, वीर राजेंद्र की उपलब्धियों पर, यानी वीर राजेंद्र ने वही क्या कह महत्वपूर्ण कार्य किए थे, उनकी उपलब्धियां क्या थी, उन पर प्रकाश पड़ता है, ये अभिलेखों से हमें जानकारी मिलती है। यानी हमने साहित्यों के बारे में जानकारी ले ली, अभिलेखों की जानकारी हमें जानकारी मिल गई, क्यों, साहित्य से भी हमें चोल वंश से संबंधित घटनाएं मालूम चलती हैं और अभिलेखों से भी कि भाई क्या क्या अभिलेख थे जिनसे हमें जानकारी मिलती है। इसी क्रम में अगर हम आगे बढ़े तो चोलों के सिक्कों के बारे में अगर हम बात करें, भाई सिक्कों से भी हमें चोलों के इतिहास के बारे में जानकारियां मिलती हैं। अब सिक्के हमें कहां से मिले, किस प्रकार से सिक्के थे, और किस पे ये सिक्के हमें ये मालूम कराते हैं कि आधिपत्य कहां पर था, तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो चोल सिक्के हैं वे धवलेश्वरम,
हमें चोल सिक्के कहां से मिले हैं? धवलेश्वरम से, सोने के। धवलेश्वरम नामक स्थान है, वहां से हमें सोने के सिक्के मिले हैं, सोने के सिक्कों के ढेर। क्या? सोने के सिक्कों के ढेर हमें यहां से मिलते हैं, और कुछ सिक्कों के ढेर हमें लंका, लंका से भी मिलते हैं, लंका से भी हमें सिक्के मिले हैं चोलों के। अब ये सिक्के हमें ये प्रमाणित करते हैं कि भाई चोलों का आधिपत्य लंका पर भी था और अपने क्षेत्र में भी था। इसके बाद में इनके जो कुछ सिक्के हमें कहां से मिलते हैं? दक्षिण कनारा से। दक्षिण कनारा से हमें सिक्के मिलते हैं, वो सिक्के किस प्रकार से थे? रजत सिक्के थे। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर यहां से अगर इस एक छोटे से उदाहरण के तौर पर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, तो हमें यह मालूम चलती है कि इनके सिक्के चोलों के स्वर्ण थे और रजत थे। इन सिक्कों से हमें यह पता चलती है, एक तो इनके अधिपत्य की, कि भाई इन्होंने वहां पर अधिकार किया था। दूसरा, इनके व्यापार की भी जानकारी मिलती है, क्योंकि व्यापार के आवागमन से भी इन सिक्कों के प्रचार में और प्रसार में, क्योंकि प्रचार और प्रसार का मतलब यह नहीं है कि किसी चीज को आगे बढ़ा, लेकिन ये वहां पर पहुंचे, वहां पर पहुंचे, लेन देन हुआ, तभी तो हमें वहां पे मिलते हैं, ठीक है ना। तो हमें यह भी जानकारी मिल गई, और सिक्कों से हमें बहुत सारी ऐसी जानकारियां मिलती है कि ये किस धर्म को मानने वाले थे, किस देवता को मानने वाले थे। सिक्कों से हमें इनके समय की भी जानकारी मिलती है। तो हमें इतिहास में सिक्कों के द्वारा, अभिलेखों के द्वारा, साहित्य के द्वारा ये बहुत सारी महत्वपूर्ण ऐसी घटनाएं हैं जिनके बारे में हमें जानकारी मिलती है, और इनसे ही संबंधित, इनसे ही संबंधित क्वेश्चन पेपरों में ज्यादातर पूछे भी जाते हैं। अब हम बात करते हैं, क्योंकि हमें पता चल गई ये कनारा से क्या रजत सिक्के। इसी दौरान अगर क्वेश्चन आ जाए कि चोलों के सिक्के पूर्व मध्य काल में कौन से स्थान से मिले, तो धवलेश्वरम, या फिर ये पूछ लिया जाए कि धवलेश्वरम में चोलों के किस प्रकार के सिक्के मिले, तो सोने के, या फिर ये पूछ लिया जाए दक्षिणी कनारा से किस प्रकार के सिक्के चोलों के मिले, तो रजत, या फिर ये पूछ लिया जाए रजत सिक्के चोलों के कहां से मिले, तो दक्षिणी कनारा से। तो मेरे प्यारे साथियों, इसी तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पेपरों में बनते भी हैं। अब बात करते हैं चीनी स्रोतों की। चीनी स्रोतों की बात करें, भाई सिक्कों की जानकारी होगी, अब हम विदेशी यात्री के से संबंधित कुछ जानकारी ले लेते हैं, भाई विदेशों से हमें क्या जानकारियां चोलों से संबंधित मिलती हैं, तो वो क्या है कि इनके संबंधों की जानकारी हमें मिलती है। भाई चीनी स्रोतों से हमें चोल और चीन के संबंध के बारे में जानकारी मिलती है। भैया क्यों मिलती है? भाई चीनी जो स्रोत हैं, भाई चीनी विदेशी या तो हमारे यहाँ आए हैं, या इन्होंने वहां पर अपने दूत मंडल भेजे थे, जब भेजे थे तो उनके द्वारा जो विवरण है उनसे हमें इन दोनों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती है। क्योंकि जो भी दूत मंडल अगर आते हैं आज के आधुनिक समय में भी, तो ये कोई ना कोई समझौते, एक तरह से जो डील करते हैं कि भाई आप हमें फलानी चीज दे देना और हम इसके बदले में आपको ये चीज देंगे, या फिर हम आपको ये सुविधा देंगे, आप इस तरीके ना। तो ऐसे विदेशी स्रोतों के आधार पर, यानी विदेशी यात्रियों के विवरण से भी हमें हमारे चोल इतिहास, यानी भारतीय चोल इतिहास के बारे में भी जानकारियां मिलती हैं। इसी क्रम में अगर हम आगे बढ़ें, तो चीनी स्रोतों से हमें इनके संबंध की जानकारी मिलती है। दूसरा, राजेंद्र प्रथम और कुलोत्तुंग प्रथम, ये दो थे शासक थे, राजेंद्र प्रथम और कुलोत्तुंग प्रथम। इन्होंने क्या करा था, मैंने अभी आपको यही जानकारी दी कि इन्होंने दूत मंडल चीन गए थे इनके समय से, यानी चोल वंश से एक दूत मंडल, कौन से? राजेंद्र प्रथम जी और कुलोत्तुंग प्रथम जी के द्वारा चीन भेजे गए थे। और चीनी यात्री थे कौन थे? चीनी यात्री थे चाउ जू कुआ, एक चीनी यात्री है जो कि 1225 ईस्वी का समय है इनका भारत में, 1225 ईस्वी में। इनके विवरण से हमें क्या जानकारी मिलती है? भाई इनके विवरण से, अब हमें ये चीनी यात्री हैं, हमारे इतिहासकारों ने इन्हीं चीनी यात्रियों के विवरण से कुछ जानकारियां जुटाई। वो जानकारियां क्या थी कि एक तो हमें इनका समय मिला कि 1225 ईस्वी में थे, चीनी यात्रियों का नाम पता चल गया भाई ये था। इसके बाद में अब हमें चोलों के इतिहास से क्या जानकारी मिलती है इनके विवरण से, भाई ये विवरण दे रहे हैं, हमें क्या जानकारी मिलती है उस पर एक नजर डालते हैं कि इनके विवरण से हमें चोलों के प्रशासन के, प्रशासन व्यवस्था की जानकारी मिलती है, जो मैंने अभी आपको बताया। क्या? कि शासन व्यवस्था की जो इंपॉर्टेंट है वो ये
कि चोलों की जो शासन व्यवस्था है ना, शासन व्यवस्था की हमें जानकारी इन चीनी यात्रियों के विवरण से मिलती है कि चोल किस प्रकार से शासन करते थे, शासन को कितने भागों में इन्होंने बांटा हुआ था और जितने भाग बांटे थे तो उनके अधिकारी किस प्रकार से थे, ये राजस्व किस प्रकार से करते थे, ये विवरण इन चीनी यात्रियों के द्वारा हमें मिलता है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये जो जानकारी थी ये केवल चोलों के इतिहास से संबंधित जानकारी थी। अभी मैंने केवल चोलों के इतिहास से संबंधित विवरणों के बारे में जाना है कि भाई हमें कहां से मिलती है, साहित्य, अभिलेख, सिक्के और विदेशी यात्रियों के विवरण से। इनके बाद में चोल शासकों के बारे में हम जानेंगे और उनके बाद में उन्होंने किस प्रकार से शासन किया था, ठीक है, प्रशासन किया था, ठीक, उनके बारे में क्या इनका जीवन था, क्या इनका धार्मिक जीवन था, किस प्रकार से ये अपने शासन व्यवस्था लागू करते थे, उनके बारे में हम अपने आने वाली वीडियो के माध्यम से जानेंगे। अब जानते हैं चोलों के शासन व्यवस्था की मिल गई हमें जानकारी। अब अगर हम बात करें तो भाई तमिल साहित्य के बाद, संगम काल के बाद, संगम काल के बाद हमें क्या मिलता है कि भाई इनकी शक्ति क्षीण हो गई और मध्य काल में इनका इतिहास अंधकारमय था। लेकिन उसके बाद में पूर्व मध्य काल या फिर नौवीं सदी के बाद, ठीक है, हमें चोलों से दोबारा ये अपने वजूद में आते हैं और इनसे हमें क्या क्या चीज मिलती है। तो ये क्या करते हैं संगम काल में, ये जो पीछे हटे इनका जो विलुप्त हुए, ये दोबारा से आए हैं पूर्व मध्य काल में। आखिर क्यों ऐसा, क्या हुआ था? तो ऐसा इसलिए हुआ था कि तमिल देश पर है ना पहले क्या करते थे, ये कल भरो पहले तमिल देश पर, क्योंकि चोलों का जो चोल वंश है वो साउथ इंडिया में था, तमिल देश था, उस पर इनका आधिपत्य था। तो क्या है, इस पर सबसे पहले कल भरों का आक्रमण होता था, उसके बाद में इन पर पल्लवों के आक्रमण के कारण ये ज्यादा आगे नहीं बढ़ सके। तो इन पर कौन कौन आक्रमण करते थे, कल भरो और पल्लवों के आक्रमण के कारण ये पीछे हटे थे। लेकिन इनका पुनरुत्थान, क्या इनका पुनर जो उत्थान मैंने आपको बताया वो नौवीं सदी में होता है, यानी से ये दोबारा से अपने अस्तित्व में आते हैं और चोल राजवंश में फिर शक्तिशाली शासक होते हैं और वो अपना आधिपत्य नौवीं सदी से 13वीं सदी तक दक्षिण भारतीय राजनीति पर स्थापित करते हैं। तो अब हम चोल शासक प्रमुख शासकों के बारे में जानकारी लेंगे, ठीक है, उनके बारे में अब हम जानते हैं कौन कौन से प्रमुख शासक थे चोलों से संबंधित। ठीक, तो सबसे पहले चोलों के जो राजा थे वो विजयालय थे, जो 850 में गद्दी पर बैठते हैं और 871 ईस्वी तक शासन करते हैं। इनके बाद में शासन करने वाले राजा आदित्य प्रथम थे, जो 871 ईस्वी में गद्दी पर बैठते हैं और 907 ईस्वी तक शासन करते हैं। उनके बाद में पुरांतक प्रथम, जो कि 907 में गद्दी पर बैठते हैं और 955 तक शासन करते हैं। इसी बीच में राजादित्य राजा हुए चोलों के, जो कि 949 ईस्वी तक शासन करते हैं। इनके बारे में ज्यादा कुछ जानकारियां नहीं, हमारे इतिहास में नहीं है। उसके बाद में गंडरादित्य, ये जो गंडरादित्य हैं, जो कि 949 ईस्वी में गद्दी पर यानी शासन करते हैं और 57 तक ये शासन करते हैं, यानी राजा बनते हैं 949 में और 57 तक शासन करते हैं। इनके बाद में अरिंजय 956 ईस्वी में और 57 ईस्वी तक, यानी लगभग एक साल शासन करते हैं। इनके बाद में पुरांतक द्वितीय, जो कि 957 ईस्वी में शासन अपने सिंहासन पर बैठते हैं और 973 ईस्वी तक ये शासन करते हैं। इनके बाद में आते हैं राजराज प्रथम शक्तिशाली राजा हैं, जो कि 985 ईस्वी में सिंहासन पर बैठते हैं और 1015 ईस्वी तक ये शासन करते हैं। इनके बाद जो आते हैं वो राजेंद्र प्रथम आते हैं, जो कि 1015 ईस्वी में सिंहासन पर बैठते हैं और 1044 ईस्वी तक शासन करते हैं।
इनके बाद में राजाधिराज प्रथम आते हैं जो कि 1044 में सिंहासन पर बैठते हैं और 1052 तक ये शासन करते हैं। इनके बाद में जो राजा बनते हैं चोलों के वो बनते हैं राजेंद्र द्वितीय जो कि 1052 ईस्वी में सिंहासन पर बैठते हैं और 1064 ईस्वी तक ये शासन करते हैं। इनके बाद में वीर राजेंद्र जो कि 1064 ईस्वी में सिंहासन पर बैठते हैं और 1070 ईस्वी तक शासन करते हैं। इनके बाद में जो शासन करने वाले हैं चोल राजा वो अधिराजेंद्र 1070 ईस्वी में सिंहासन पर बैठते हैं और इनके बाद, मेरे प्यारे साथियों यहां पर नोट करना आप, इनके बाद में चोल और चालुक्यों के बीच में, चोल और चालुक्यों के बीच में वैवाहिक संबंध स्थापित होते हैं और वैवाहिक संबंध स्थापित होने के बाद ये जो राजवंश है चोल चालुक्य राजवंश के नाम से भी जाना जाता है। अब वैवाहिक संबंध स्थापित होने के बाद में जो पहले राजा बने चोल और चालुक्य वैवाहिक संबंध के बाद में जो राजा पैदा हुए थे वो हुए थे कुलोत्तुंग प्रथम। यहां से चोल चालुक्य राजवंश भी इसे बोल सकते हैं क्योंकि वैवाहिक संबंध के बाद में जो पैदा होने वाले थे वो कुलोत्तुंग प्रथम थे जो कि 1070 ईस्वी में सिंहासन पर बैठते हैं और 1120 ईस्वी तक शासन करते हैं। इनके बाद में विक्रम चोल जो कि 1120 ईस्वी में सिंहासन पर बैठते हैं और 1033 ईस्वी तक शासन करते हैं। ये कुलोत्तुंग प्रथम वही राजा हैं जिन्होंने चोल साम्राज्य के अंतिम शासक विक्रम सप्तम को सिंहासन से हटाकर अपने पुत्र विक्रम चोल को सिंहासन सौंप दिया था, ठीक है, और चालुक्य राजवंश वहां से समाप्त हो गया था और चोल राजवंश शुरू हो जाता है। जबकि इनके वैवाहिक संबंध भी थे तो कुलोत्तुंग द्वितीय जो कि 1133 ईस्वी में सिंहासन पर बैठते हैं और 1150 ईस्वी तक वो शासन करते हैं। इनके बाद में शासन करने वाले हैं राजा राजराज द्वितीय जो कि 1150 ईस्वी में सिंहासन पर बैठते हैं और 1173 ईस्वी तक ये शासन करते हैं। इनके बाद में राजाधिराज द्वितीय जो कि शासन करने आते हैं और 1173 ईस्वी में सिंहासन पर बैठते हैं और 1178 ईस्वी तक वो शासन करते हैं। इनके बाद में कुलोत्तुंग तृतीय आते हैं जो कि 1178 ईस्वी में शासन करते हैं, सिंहासन पर बैठते हैं और 1218 ईस्वी तक वो शासन करते हैं। इनके बाद चोल साम्राज्य राजराज तृतीय शासन करने आते हैं जो कि 1218 ईस्वी में गद्दी पर यानी सिंहासन पर बैठते हैं और 1256 ईस्वी तक शासन करते हैं। इनके बाद में चोल साम्राज्य के अंतिम शासक माने जाने वाले, आप इन्हें अंतिम शासक कह सकते हैं क्योंकि राजेंद्र तृतीय है जो कि 1256 ईस्वी में सिंहासन पर बैठते हैं और 1279 ईस्वी तक शासन करते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों ये आपको पक्का याद करना पड़ेगा, राजाओं से संबंधित सारे राजाओं के नाम और उनके समय आपको याद करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन राजाओं से संबंधित मिलान के लिए पूछे जाते हैं और इनकी उपाधियों से संबंधित क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। और चोल साम्राज्य के अंतर्गत मंदिर, वो मैं अपने आने वाली वीडियो में आपको जानकारी दूंगा, मंदिरों से संबंधित भी बहुत सारे क्वेश्चन पेपरों में पूछे जाते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों उम्मीद करता हूं आपको दोबारा से सत्ता में आए चोल साम्राज्य के बारे में उनके साहित्य से संबंधित अभिलेखों से, सिक्कों से और विदेशी यात्रा विवरण से जो कि महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं उनसे संबंधित इनके स्रोतों के बारे में जानकारी मिली होगी और उनके शासकों के बारे में भी आपको जानकारी मिली है। तो मेरे प्यारे साथियों और मैं अपने आने वाली वीडियो में अब इन शासकों से संबंधित जानकारी आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। तो मेरे प्यारे साथियों अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और
बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि कोई भी वीडियो मेरी आए तो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहां पर जाकर मेरी सारी वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद।